रघुवर सरकार के प्रयास से झारखंड में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। लोहरदगा जिला मुख्यालय से जुड़े पहाड़ी गांवों में सड़क निर्माण से नक्सल समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। साथ ही जिला मुख्यालय से दूरी कम होने से योजनाओं का फायदा भी समय पर मिलने लगा है। झारखंड में चमचमाती सड़कें विकास की कहानी बयां कर रही है। रघुवर सरकार ने दूर दराज के गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम किया है। इसके लिए कई जगहों पर पुल पुलिया का निर्माण भी हुआ है। लोहरदगा में शंख नदी पर बने पुल और बाईपास सड़क बनने से पलामू की दूरी कम हो गई है। कभी सड़क से साइकिल और मोटरसाइकिल का गुजरना मुश्किल था, लेकिन आज गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं। शंख नदी मोड़ से निकलने वाली सड़क से चतरा, चंदवा और पलामू का सफर आसान हो गया है, जिससे ग्रामीणों को हर सरकारी सुविधा का लाभ समय पर मिलने लगा है। और रघुवर सरकार ने जिस प्रकार सड़कों का जाल बिछाया है और जो इतनी अच्छी सड़क सुविधा होती थी लोहरदगा से डाल्टीगंज जाने में, और अब समय का भी बचत, पैसा की बचत और बहुत ही सुंदर रोड बनी है। आम आदमी को बहुत सुविधा हो रही है, बहुत राहत महसूस हो रही है। रघुवर सरकार के संकल्प से इलाके का विकास हुआ है, जिससे नक्सलियों के पांव उखड़ गए हैं। सड़क सुरक्षा के लिए सरकार ने हाईवे पीसीआर वैन की तैनाती की है, जिससे अपराध और सड़क दुर्घटना होने पर त्वरित गति से कार्रवाई की जा सके। पीसीआर का काम है, चाहे हाईवे पेट्रोलिंग हम लोग जो है क्षेत्र में बांटा हुआ है, जैसे मान लीजिए संघ पिकेट से लेकर थाना मोड़ तक ले है, उस क्षेत्र में हम लोग 24 घंटा ड्यूटी रहता है दो पाली में। सुबह 8 बजे से रात शाम 8 बजे, फिर 8 बजे से चढ़ेगा सुबह 8 बजे तक। इसी बीच हम लोग पेट्रोलिंग करते रहता है, कहीं किसी तरह घटना दुर्घटना हो, वाहन दुर्घटना हो या किसी तरह क्राइम हो, बस हम लोग पहुँचना है। अगर घटना होता है तो उसको हॉस्पिटल पहुँचा देना है, किस क्राइम है उसके पास वहाँ जाके देखना है क्या है, क्या समस्या दूर करना, क्योंकि पब्लिक को किसी को समस्या दूर करना है। बेहतर सड़क बनने से पर्यटकों की भी आवाजाही बढ़ी है। कल तक उपेक्षित रहा नामुदाग और महादेव मंडा का पौराणिक शिव मंदिर अब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसके जरिए लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।